देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने होने वाली G7 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। G7 समिट 11 से 13 जून के बीच ब्रिटेन के कार्नवाल में आयोजित होनी है। देश में ऑक्सीजन की वजह से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। गोवा में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से 4 घंटे में 26 मरीजों की जान चली गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं हाईकोर्ट आज मामले पर सुनवाई करेगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए केस कम हो रहे हैं। इस वजह से केंद्र सरकार ने नियमों में छूट देना शुरू कर दिया है। सरकार ने टेस्टिंग से जुड़ी शर्तों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके मुताबिक अब एक से दूसरे राज्य में जाने से पहले RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी नहीं होगा। मामले बढ़ने के साथ ही कई राज्यों में अपने यहाँ आने के लिए कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी थी। इसके अलावा नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर मरीज को 5 दिन से बुखार नहीं है तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने से पहले भी RT-PCR टेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 13 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, 6 राज्यों में 50,000 से 1 लाख के बीच और 17 राज्यों में 50,000 से कम एक्टिव केस हैं। देश में इस समय पॉजिटिविटी रेट 21% है, 26 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। गोवा में ये सबसे ज्यादा 49.6% है। पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान में पॉजिटिविटी रेट 30% से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़ और लद्दाख में रोज मिल रहे नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। हालांकि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में केस में बढ़ोतरी का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश ने राज्य भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए UPTET 2021 को स्थगित कर दिया है। फिलहाल अगले आदेश तक इसे आयोजित नहीं किया जाएगा। 25 जुलाई को प्रस्तावित परीक्षा के लिए 11 मई को विज्ञापन जारी होना था। इसके लिए 18 मई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी थी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने कोरोना से जंग जीत ली है। उसे एम्स से डिस्चार्ज कर वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया। छोटा राजन को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में कड़े सुरक्षा घेरे में रखा गया है। कोरोना होने पर राजन का 22 अप्रैल से जेल के अस्पताल में इलाज चल रहा था। हालत बिगड़ने पर उसे 25 अप्रैल को एम्स शिफ्ट किया गया था। इलाज के दौरान 7 मई को छोटा राजन की मौत की अफवाह उड़ी थी। इसके बाद उसी दिन एम्स ने इसका खंडन करते हुए कहा था कि वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि रिकवर भी कर रहा है। देश के कोरोना और वैक्सीनेशन संकट पर सोनिया गांधी की ओर से पूछे गए सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया की 4 पन्नों की चिट्ठी में कोरोना को लेकर नकारात्मक प्रचार करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कांग्रेस के नेता नकारात्मकता फैला रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस में नया चलन है, सारी जिम्मेदारी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर डाल दो। नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपको सबको दिख ही रहा है। कांग्रेस के जमाने में जिस तरीके की हरकतें हुई, भाजपा वो हरकतें करने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कर्मकांड हम भूल गए हैं ऐसा भी नहीं। बिहार में पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना स्थित मंदिरी आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह उन्हें कोरोना गाइडलाइन तोड़ने के आरोप में पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया तो शाम में मधेपुरा पुलिस ने 32 साल पुराने एक मामले में अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बाद पूर्व सांसद ने भोजन त्यागने का ऐलान कर दिया। वहीं सरकार पर जमकर हमला किया। जितना मेहनत आप हमको 9 घंटा रखने में किए हैं, उतना मेहनत यदि आप अस्पतालों को रोकने में कर लिए होते, अस्पतालों को बनाने में, और प्राइवेट नर्सिंग होम 10% डॉक्टर को छोड़ के, प्राइवेट नर्सिंग होम छोड़ के 80-90% प्राइवेट नर्सिंग होम, लाखों लाख आज जो हम गए थे जहां 3 लोगों को मार दिया गया पाटलिपुत्र में, ICN में, CNF में 3 लोगों को, हम वहां गए थे। एक दिनों में 51,000 रुपया गरीबों से लिया जाता है, क्या इनको बेड चार्ज?
क्या इनको नहीं दिखता? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल का कहना है कि वैक्सीन की कमी की वजह से अगले कुछ दिनों में कई सेंटर बंद करने पड़ सकते हैं। ऐसे में सरकार को कई कंपनियों से वैक्सीन बनवानी चाहिए। केजरीवाल के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि केजरीवाल को लाइसेंस सिस्टम की जानकारी नहीं है। सरकार वैक्सीन बढ़ाने पर तेजी से काम कर रही है। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। इसलिए ज़रूरी है कि हम भारत में वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पर बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में वैक्सीन लगाने की राष्ट्रीय योजना बनाएं। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं। वैक्सीन बनाने का काम केवल दो कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। ये पूरी घटना देवप्रयाग की है जहां पर बादल फटने के बाद मूसलाधार बारिश हुई। इतना ही नहीं, बादल फटने की वजह से आईटीआई की बिल्डिंग ढह गई। इस इलाके में स्थित कई दुकानें भी ध्वस्त हो गई हैं। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में बादल फटने की खबर का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित जिला अधिकारियों से फोन पर जानकारी ली और उन्हें प्रभावितों को तुरंत राहत और सहायता राशि देने का निर्देश दिया। वहीं अमित शाह ने भी सीएम तीरथ सिंह रावत को फोन कर हालात की जानकारी ली। एंटीलिया केस और मंसूख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को बर्खास्त कर दिया गया है। ग्रेटर मुंबई के पुलिस कमिश्नर की ओर से एक आदेश में इसकी पुष्टि की गई। सचिन वाजे को एनआईए ने 13 मार्च को एंटीलिया केस में संदिग्ध भूमिका के आरोप में गिरफ्तार किया था। वाजे को बर्खास्त करने के लिए गृह विभाग ने मुंबई पुलिस से सिफारिश की थी। उसके बाद आईपीसी की धारा 285, 465, 473, 506(2) और 120(b) के तहत केस दर्ज किया था। जम्मू और कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के वाइलू में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। ये तीनों आतंकी लश्कर के बताए जा रहे हैं। वहीं कुपवाड़ा में सेना ने बड़ी साजिश नाकाम की है। सुरक्षा बलों ने 10 ग्रेनेड और 182 बुलेट बरामद की है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तमंचे पर डिस्को करते युवाओं का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गाने की धुन पर ये युवक हथियार की नुमाइश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्र में खजुरई गांव का है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने वीडियो की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि कोविड के नियमों को तोड़ने और हथियार की नुमाइश करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को बेरहमी से मार डाला। मामला इटावा के अलकापुरी इलाके का है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक दोस्त ने अपने दोस्त का गला काटा और उसके माथे पर कील ठोककर उसे मार डाला। आरोपों के मुताबिक मृतक ने आरोपी की मां का कुंडल रखा हुआ था जिसे वापस नहीं कर रहा था। इसी नाराजगी में आरोपी ने दोस्त को नशा दिया और फिर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। इतना ही नहीं, आरोपी पर एक पुलिसकर्मी की आंख फोड़ने का भी आरोप है। पुलिस के मुताबिक फरवरी 2020 में पुलिस ने गो तस्करी के शक में छापेमारी की थी। इसी छापेमारी के दौरान जावेद नाम के गो तस्कर ने पुलिस पर हमला बोला था और फरार हो गया था। पुलिस ने इस आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा था। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुलिस ने दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि 4 फाटक के पास 3 लोग जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर को 30,000 रुपए में बेचने की बात कर रहे हैं। पुलिस ने दबिश दी और 2 लोगों को पकड़ा। दोनों आरोपियों ने अपने तीसरे साथी का नाम बताया जो एक प्राइवेट अस्पताल का स्वास्थ्य कर्मी है। पुलिस ने स्वास्थ्य कर्मी को पकड़ा तो उसके पास से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले। पुलिस ने तीनों को कालाबाजारी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है।
बक्सर और गाजीपुर में गंगा में शव मिलने पर हड़कंप अभी थमा नहीं है कि नया मामला बलिया से आया है। बलिया में भरौली के पास गंगा में कई शव मिलने से दहशत मच गई। जानकारी मिलने पर प्रशासन पहुंचा। डीएम की माने तो शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, मगर गंगा से शवों को निकालकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। रूस के काजान शहर के एक स्कूल में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। मंगलवार सुबह दो बंदूकधारियों ने स्कूल पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान खुद को बचाते हुए लोग स्कूल की इमारत से कूदते हुए भी नजर आए। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 11 मई से उन उम्मीदवारों का पंजीकरण शुरू हो गया जो इस चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश करना चाहते हैं। जनरल कासिम सुलेमानी के सलाहकार सईद मोहम्मद ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए पंजीकरण कराया। ईरान में 18 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। कोलंबिया के राष्ट्रपति और राष्ट्रीय हड़ताल समिति के बीच पहले दौर की बातचीत नाकाम हो गई है। पिछले दो हफ्ते से दोनों गुटों के बीच आपसी सहमति बनाने को लेकर कवायद की जा रही थी। करीब 3 घंटे तक चली बैठक के बाद समिति ने प्रदर्शन को जारी रखने का फैसला किया है। देश में कर सुधार को लेकर देशव्यापी उग्र प्रदर्शन चल रहा है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस को जैविक हथियार की तरह विकसित करने की तैयारी से जुड़े दस्तावेज पर चीन ने सफाई दी। चीन ने इन दावों को झूठा बताते हुए इसे देश की छवि खराब करने की अमेरिका की कोशिश बताया है। अमेरिका ने दावा किया है कि चीन के वैज्ञानिक कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में विकसित करने पर विचार कर रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को मदद के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने $15 मिलियन यानी करीब 110 करोड़ रुपए का दान दिया है। ट्विटर के सीईओ जैक पैट्रिक डोर्सी ने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी और ये भी बताया कि ये पैसे कैसे भारत तक पहुंचेंगे। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले राज्य विक्टोरिया में कोरोना वायरस से संक्रमित एक शख्स की पहचान हुई है। करीब 2 महीने बाद यहां संक्रमण का मामला सामने आया है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि संक्रमित शख्स कुछ दिन पहले ही भारत से लौटा था। तुर्की में ईद के करीब आते ही वैक्सीनेशन अभियान को और तेज कर दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि त्योहार से पहले ज्यादातर लोगों को टीका लगा दिया जाए। तुर्की में जनवरी महीने से चीनी वैक्सीन सिनोवैक और फाइजर बायोएनटेक का टीका लगाया जा रहा है। अब तक देश की कुल जनसंख्या के 13% लोगों को दोनों डोज लगा दी गई है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। अब तक इस खतरनाक वायरस की चपेट में आकर 33,20,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि संक्रमितों की संख्या 15,97,00,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 13,74,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देने में कामयाब भी हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीनी वैक्सीन सिनोफार्म कोविड टीके को मंजूरी दे दी है। WHO ने वैक्सीन के डेटा मूल्यांकन के बाद वैक्सीन को सुरक्षित और कारगर बताया है, जबकि वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की पहले ही इजाजत दी जा चुकी थी। WHO ने कहा कि आने वाले दिनों में चीन की सिनोवैक वैक्सीन को अनुमति मिल सकती है। कोरोना वायरस पर काबू पा लेने का दावा करने वाले चीन अब माउंट एवरेस्ट पर विभाजन रेखा खींचने की योजना बना रहा है, ताकि पर्वत पर नेपाल की तरफ से आने वाले पर्वतारोहियों पर निगरानी रखी जा सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। नेपाल की तरफ बने एवरेस्ट बेस कैंप में पिछले महीने संक्रमण के मामले मिले थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।